नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से आज 12 फरवरी 2023 को संडे के दिन हमारे कुछ गार्जियंस मिलने के लिए आए और अभी 11th से 12th पे एडमिशन चल रहे हैं। तो हमारे दो बहुत अच्छे गार्जियन आए, चित्रमल जी हैं जिनके दो बेटे मेडिकल में हैं, एक बेटा ICR में है। आप राजेश जी हैं जिनके दो बेटियाँ मेडिकल। मेरे पास वो गार्जियन खड़े हैं जो चार डॉक्टर हैं इनके घर में, दो चार, एक बच्चा आपका ICR से पास आउट है। तो मुझे लगा क्यों ना इन लोगों से आपकी बात करवाई जाए, बहुत बड़ी बात होती है। आप स्वयंमाधोपुर के दुबी बना गांव से हैं, आप खुद हैं, मैं आपका पूरा परिचय कराऊं पहले। आप चित्रमल जी हैं, आप 8वीं पास हैं, आपकी धर्मपत्नी हैं, वो मेरी माँ की तरह बिल्कुल स्कूल नहीं गए कभी। आप दुबी बनास के रहने वाले हैं, स्वयंमाधोपुर के हैं। आपके बड़ी बेटी संतोष मीणा थी, उसकी आपने जल्दी पहले गाँव में शादी कर दी। फिर राजकुमार मेरे पास आया जो 2012 में सिलेक्ट हुआ डिब्रूगढ़ आसाम से, उसने MBBS किया। फिर शाम सुंदर हमारे पास आया, वो ICR में गया। फिर देवकी नंदन हमारे पास 9th में आ गया था, देवकी नंदन याधान वो पुराना बच्चा हमारा जिसने 10th में KBM को टॉप किया था, सिलेक्ट था NTSC में, KBPI में, और उसने बीकानेर से 12वीं के साथ अपनी डिग्री की, MBBS की, और एक बहुत अच्छा बच्चा है। आप छोटी बेटी सरस्वती जो पास खड़ी है, ये अभी 11th से 12th में आ रही है। छोटा बेटा आपका वासुदेव है जो अभी 8वीं पढ़ रहा है वहाँ, और वो 9वीं क्लास में परी फाउंडेशन में आप 6 अप्रैल को उसको लेके आ रहे हैं। ये हमारे परिचय है चित्रमल जी मीना साहब का। मेरे पास खड़े हैं राजेश प्रसाद जी, आप गवर्नमेंट टीचर हैं, आपकी धर्मपत्नी हैं, वो हाउसवाइफ हैं, आप मकराना के रहने वाले हैं। आपकी बड़ी बेटी विजय लक्ष्मी गुजरात भावनगर से आपने MBBS किया, निकिता SMS MBBS कर रही है, और ममता 11th से अभी 12th एडमिशन ले रही है। छोटा बेटा देवेंद्र आपका जो है वो 10th नवोदय उचामन पढ़ रहा है। तो आप देखें कि मेरे साथ दो साथी खड़े हैं और चार डॉक्टर यहीं खड़े हैं। मैं यदि 96 की बात याद करूँ तो पूरे मेरे फतेहपुर तहसील में कुल 4 डॉक्टर नहीं थे। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा, अपन चलते जाएं, बात करते जाएं, तो आप दिखाएं आज हमारा 11th से 12th का कन्वर्जन का एक है। आप सब जानते हैं कि 11th से 12th के कन्वर्जन स्टार्ट हो चुके हैं। संस्था के सेशन 2023-24 के सारे एडमिशंस प्री फाउंडेशन के टारगेट के सभी के कोर्सेज चल चुके हैं। JEE नीट NDA सबकी प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं। तो मैं चाहूंगा भाई चित्रमल जी, आप चलते जाएं, बता जाएं आपको कैसा लग रहा है। आप सबसे पहले कब CLC आए थे? सर मैं तो पहली बार आज ही आया हूँ। देखो पहली बार मतलब आपके दो बच्चे मेडिकल में है, आप ही हैं, दो बच्चे मेडिकल में है, एक बच्चा ICR में है, पहली बार CLC है। पहली बार तो इतना विश्वास कैसे रहा CLC बच्चों पे? सर आप नहीं आए तो आप पे विश्वास था, इस संस्था पे विश्वास था, मेरे बच्चे यहाँ आए ने, मतलब आश्चर्य होता है। मैं कई बार देखता हूँ कुछ गार्जियन हर संडे बच्चों से मिलने आते हैं, पर बच्चों से मिलने आते पढ़ाई की बात नहीं करते, वो उनसे बात करेंगे सब्जी मिली कि नहीं मिली, दाल में नमक था कि नहीं था, केले देखे थे। अरे बच्चों से जब मिलने आए तो उनसे पढ़ाई की बात करें की बात करें। आप कभी सीकर नहीं आए, CLC पहली बार आए, और दो डॉक्टर पिताओं बच्चों के पिता हैं, और ये बेटी सरस्वती निश्चित कह सकता हूं मैं ये मेडिकल में जाएगी। छोटा वाला बेटा जो है अभी 9th प्री फाउंडेशन में आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं आप चार बच्चों के, चार डॉक्टर्स के पिता आप होंगे। और क्या कहना चाहेंगे आप, बिल्कुल सिंपल गांव के व्यक्ति हैं मेरे। यही कहना चाहता हूं मैं तो आपको, जिस प्रकार मेरे बच्चे निकले सबके बच्चे को ही निकालूंगा। तो आपके बच्चे हमें हॉस्टल में रहे हमारे पास, क्या बात है, हॉस्टल में रह रिया जी। यार मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप देवकिनंदन के पिता हो के आप विजयोत्सव में क्यों नहीं आए? तो विजयोत्सव में कौन आया था परिवार से? कोई को नया सर, मैं दुकान करता था, मैं एक दिन भी अगर छोड़ता तो मेरा पालन नहीं होता बच्चे। क्या बात है यार, आप एक दिन की दुकान नहीं छोड़ते हैं, एक दुकान चलाते हैं, बेटा डॉक्टर बन गया, मंच पे सम्मान है, फिर भी आप दुकान नहीं छोड़ते हैं। मैं कहता हूँ मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स देख रहे हैं या बिलो मिडिल क्लास के जो बच्चे देख रहे हैं, ये पिता है, ये वो पिता है जो अपने पूरे बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन त्याग देते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं, तब इनके बच्चे डॉक्टर बनते हैं। और मैं तो सभी से यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के गार्जियन बने, विश्वास करें संस्था पे। मुझे चित्र जी बहुत आश्चर्य होता है, कई आप कह रहे हो कि आप सीकर नहीं आए, दो बच्चे डॉक्टर बन गए, कई भाई ऐसे भी ज्ञान दे जाते हैं साहब ये कमियां हैं वो कमियां हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है यार क्या है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि साहब कई बार अपने थोड़ा बच्चों को भी चेक कर लें। आजकल बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हर गार्जियन मानता है मेरा बच्चा कमजोर नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे? कमजोर बच्चा मेरा बच्चा तो यहाँ आए ना, जब वापिस गया तो उनका संस्कार देख रही हूँ, जान गई क्या बात है। संस्कार की बात करें तो CLC का आप लोगों ही है, शिक्षा संस्कार सुरक्षा सफलता, हम इसी थीम पे काम करते हैं। मैं आप अगले साथी हमारे राजेश जी को देना चाहूंगा। भाई राजेश जी आप बताएं, आपके दो बेटे हैं मेडिकल में, एक जामनगर है एक SMS में है, और ममता यहाँ पढ़ रही है देवेंद्र अभी 10th में है, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जय CLC, मेरी बड़ी बेटी 2018 में यहाँ पर आई थी और 2019 के अंदर वो सेलेक्ट हो गई। छोटी बेटी को एक साल प्रिपरेशन यहाँ पर करना पड़ा, हालांकि वो 12वीं के साथ में सेलेक्ट हो गई थी,
परंतु उसको निचला कॉलेज में इंप्रूवमेंट के लिए साल उड़ दिया था अपन ने, एक साल लिया और उसको अच्छी सफलता मिली। सीएलसी से बहुत सहयोग मिला, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर, यहाँ का रहने का वातावरण बहुत अच्छा है, हॉस्टल यहाँ के बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं बच्चे को जब भी थोड़ी बहुत तकलीफ होती तो सीधे बॉस को ही व्हाट्सएप पर करता और 15 मिनट में उसका हो जाता। हाँ बिल्कुल, देखो जाहिर सी जो प्रैक्टिकली अब हमसे लोग बात करते हैं, जो जमीनी बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, उनका जवाब मैं विद इन 10 मिनट देता हूँ मैं। और कोई एक मैसेज गार्जियंस के नाम? मैसेज तो यही है कि सीएलसी बहुत अच्छी संस्था है, सब विश्वास करें इस पर, यहाँ पर बच्चों को छोड़कर चले जाए फिर बिल्कुल मुक्त हो जाए, यहाँ का प्रशासन बच्चों के लिए पूरा केयर करता है। ममता आप क्या करना चाहेंगे बेटा? आए चित्रमल जी, आप आए। ममता आप क्या करना चाहेंगे बेटा? अभी आप 11th से 12th में आ रहे हैं, आप बाइक पकड़े, आप क्या करना चाहेंगे? आपका 11th का कोर्स लगभग कंप्लीट होने वाला आ गया, 12th आपका स्टार्ट 6 अप्रैल से, अभी कहाँ रह रहे हो आप? कलाम हॉस्टल। आप बिल्कुल खुश हैं? कोई मैसेज अपने फ्रेंड्स के नाम? ये मैसेज है कि यहाँ आने के बाद में बहुत ज्यादा अलग लाइफ मिलती है हमें, और फैकल्टी बहुत अच्छी है यहाँ की, डाउट काउंटर से लेकर सारी चीजें बहुत ज्यादा परफेक्टली है। थैंक यू बेटू। सरस्वती नाम आपका गुड़िया, ये हमारे राजकुमार की देवकिंदन की बहन। आप क्या कहना चाहेंगे सरस्वती? सारी फैकल्टीज अच्छी है यहाँ पे, आप अच्छा कर रहे हैं। तो दो पिता हैं, दो बेटे डॉक्टर पहले से ये फाइनल, एक आपके साथ आपके गांव से भी आए हुए हैं ना, एक आपके गांव से भी आए हुए हैं जिनका एडमिशन हुआ है, तो आज भारत की तरफ चलते हैं अपन। तो ये हमारे दो गार्जियन हैं जिनके दोनों के दो दो बेटियां, आपकी दो बेटियां, आपके दोनों बेटे मेडिकल में हैं। गार्जियन सीएलसी का प्लस पॉइंट यही है कि जो आदमी सीएलसी को समझ जाता, बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, जिसने सीएलसी देखी नहीं वो कहते हैं हलवा खाया ही नहीं, उसे क्या पता हलवा क्या होता है। ये वो लोग मतलब बनास दुबी बनास के माधोपुर के आप मेरे गार्जियन हैं, कभी सीएलसी नहीं आए, बच्चों को भेज दिया, भाई दो डॉक्टर बना के ले गए, एक आईसीआर से ले गए, छोटी बच्ची को पढ़ा रहे हैं। आप राजेश कुछ टीचर हैं, दो बेटियां लाए, दोनों बच्चे डॉक्टर बन गई, तीसरे को छोड़ दिया, चौथा बच्चा ज्वाइन करेगा फाउंडेशन में। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ सबसे, विश्वास करें, जिंदगी में सारा खेल विश्वास का है। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, जिसने विश्वास संस्थापित किया है उस घर में एक नहीं दो तीन चार पांच लक्ष्य होते हैं। आप ही के साथ उसके मित्र भी आए हुए हैं, आए। आपका नाम क्या सर? रिकेश मिला है सर। ये भी ग्राम दुबी बनास, आप दुबी बनास से हैं, आप चित्रमल जी के भाई हैं, भाई है। आपका बेटा भी ले उनसे 12th में है। आपको सर कैसा लग रहा है, आपका बच्चा पढ़ रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बिल्कुल खुश हैप्पी हैप्पी हैं। तो इसी के साथ अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं सभी देखने वाले कहना चाहूंगा, ये वीडियो आज 12 फरवरी 2023 शूट हो रहा है, अगले सेशन के सारे एडमिशन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। आप सब जानते हैं आपकी सीएलसी ने सीबीएसई का स्कूल सेपरेट लॉन्च कर दिया है सीआईएस के नाम पे, तो प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक सीबीएसई में जुड़ सकते हैं हमारे साथ। केवीएम स्कूल राजस्थान बोर्ड का पहले से एनडीएम लोग लॉन्च कर चुके हैं, कहने का सीधा मतलब प्री फाउंडेशन से लेकर नीट जेई एनडीए किसी भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म के लिए आप जुड़ सकते हैं सीएलसी के साथ। इनकी तरह विश्वास करके आओगे, रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं तो वही श्रवण हूँ भाई सब के लिए, विश्वास करके आता है उसके लिए चित्रमल जी भाई बन जाता हूँ। जो लोग वो कहते ना दुकान साहब समझ के आते हैं, उनको यहाँ कुछ नहीं मिलता भाई। तो सीएलसी में आप ये कॉमर्शियली कॉम्प्लेक्स समझ के नहीं आए, ये गुरुकुल है, परिवार समझ के आए। और आज आप देख रहे हैं संडे को हमारे बहुत से गार्जियंस आज आए हुए हैं, क्योंकि अभी 11th से 12th के एडमिशन चल रहे हैं। अच्छा लगा सबसे मिल के, आप दोनों भाई आए, तो आप सभी का विश्वास मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका विश्वास जो है उस पर हम खरे और उतर सकें, समय के साथ हम और बेटर कर सकें अपने काम को। और आप सब जानते हैं मेरे दोनों बेटे साहिल और समर आने के बाद वैसे सीएलसी की स्पीड करीब 10 टाइम्स बढ़ गई है। ओके दोस्तों, तो आप सबको शुभकामनाएं, सपने बड़े करें और आओ मिलकर उनको पूरा करें। नमस्कार, जय सीएलसी।